किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित करने और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से आज दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने किसानों से बातचीत की। इस दौरान कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने किसानों द्वारा बनाए गए पोली हाउस का दौरा किया और उनके द्वारा बताई गई समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लालसोट और रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में जो पॉली हाउसेज, फार्म पॉन्ड्स और जो पानी के संरक्षण को लेकर के जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं और अधिक खेती बाड़ी को लेकर जो संरक्षण बनाए गए हैं उसके संबंध में आज मेरी विजिट है, जिसमें काश्तकारों के साथ वार्तालाप भी है, उनके समस्याओं को जानने के लिए भी, और जो पॉलिसीज राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हैं उसको और किस प्रकार से हम बेहतर कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए आज की विजिट आई है। कृषि विभाग और जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है तो उनकी जो है कि काफ़ी सारी स्कीम्स चलती है, तारबंदी को लेकर के, पॉली हाउस को लेकर के, बीज वितरण को लेकर के, फार्म पॉन्ड्स को लेकर के, सोलर जो प्लेट्स होती हैं वाटरिंग के लिए उसको लेकर के, तो उस संबंध में जो राज्य सरकार से हमें डायरेक्शंस प्राप्त होते हैं तो उसको काश्तकारों को अवेयर करके, उनको मोटिवेट करके, आवेदन करवा के वो सभी स्कीम्स उन तक पहुँचाई जाती है। इसके लिए जो है डिपार्टमेंट एक्सटेंशन आउटरीच भी करता है, तो वो कर भी रहा है और कर